हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल खाना खजाना विद रानू में। आज आपके साथ सेमई उपमा की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे एक कटोरी सेमई है, फ्रोजन मटर है, बारीक कटी हुई प्याज है, हरी मिर्च है एक, और टमाटर है, गार्निशिंग के लिए धनिया है, पीनट है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ एक फ्राई पैन चढ़ा दिया है, इसमें हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे सेमई को। मीडियम टू फ्लेम पे हमें इसे रोस्ट कर लेना है चलाते हुए। ये देखिए, ये थोड़ा सा गोल्डन हो गया है, थोड़ी देर और भूनेंगे, एक मिनट। यहाँ पे मैंने ये रोस्ट कर लिया है, अब इसे हम उतार लेंगे गैस पर से चला के एक बार, और यहाँ पे मैंने चला लिया। अब इसे हटा के हम यहाँ पे दूसरा फ्राई पैन चढ़ा देंगे। दूसरा फ्राई पैन मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया। मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल डाला है, आप चाहें तो सरसों के तेल का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा छोटा चम्मच अब हम इसमें राई ऐड करेंगे। राई चटक गई है, अब इसमें हम 4 से 5 करी पत्ता ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 4 से 5 करी पत्ते ऐड कर दिए हैं। बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे, और अब हम इसमें बारीक कटे हुए प्याज भी ऐड करेंगे। प्याज को ऐड करके हमें 1 मिनट तक इसे सॉटे करना है। प्याज यहाँ पे सॉटे हो गया है, अब इसमें हम फ्रोजन मटर ऐड कर देंगे, हरी वाली। मटर को ऐड करके हमें चला लेना है। अब इसके बाद हम यहाँ पे बारीक कटे हुए 1 टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर को ऐड करके अच्छे तरीके से प्याज और मटर के साथ हमें मिक्स करना है। हमने यहाँ पे मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे हम टेस्ट अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। नमक को ऐड करके हमें मिक्स करना है। अब गैस का फ्लेम बिल्कुल लो करके हमें इसे 1 मिनट तक टमाटर को पकाना है ढक के। 1 मिनट बाद चलिए चेक करते हैं। ये देखिए, टमाटर थोड़े से गल गए हैं, चला के देखते हैं। इसे हम चला लेंगे एक बार, और एक साइड मैंने गैस पे पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। पानी थोड़ा गुनगुना हो गया है, तो लगभग इसमें हम 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। एक छोटी कटोरी सेमई के साथ अगर आप 1 गिलास पानी डालेंगे तो मेजरमेंट एकदम परफेक्ट होगा। पानी थोड़ा गुनगुना था, तो इसमें ये देखिए बॉयल आने लगे हैं। अब इसमें हम मैगी मसाला ऐड करेंगे। मैगी मसाला ऐड करके हमें एक बार चला लेना है। अब इसमें हम भुनी हुई सेमैया ऐड कर देंगे। सेमई को ऐड करके हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, और अब इसे मीडियम फ्लेम पे ढक के 5 से 6 मिनट तक पकाना है। 5 से 6 मिनट बाद चलिए चेक करते हैं। ये देखिए, पानी बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लिया है सेमई ने। इसे चलाएंगे, गैस का फ्लेम फुल करेंगे। अब इसे हमें ढकना नहीं है, खोल के ही पकाना है। अब यहाँ पे हम 1 छोटा चम्मच चिली सॉस ऐड करेंगे, 1 छोटा चम्मच टमाटो केचप ऐड करेंगे, और मिक्स करेंगे। इसके बाद इसमें हम 1 छोटा चम्मच घी भी डालेंगे। घी डाल के हमें चला लेना है। यहाँ पे घी डाल के हमने चला लिया है। देखिए, बिल्कुल खिली खिली और टेस्टी सेमई उपमा बनके तैयार है। अगर आप एक बार इसे घर में बना लेंगे तो मैगी और नूडल्स खाना भूल जाएंगे। ये बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार है। गैस का फ्लेम बंद करेंगे और गर्मा गर्म चलिए एक प्लेट में सर्व करते हैं। मैंने यहाँ एक प्लेट ले लिया है, 1 कटोरी में आलू भुजिया है और रोस्टेड पीनट है। मैंने यहाँ प्लेट में से मैं उपमा निकाल लिया है। अब इसके ऊपर से हम रोस्टेड पीनट डालेंगे। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, पर ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है जब क्रंचीनेस आती है मुंह में। इसके ऊपर अब हम आलू भुजिया ऐड करेंगे और हरी धनिया पत्ती से गार्निशिंग करेंगे। ये देखिए, सेमई उपमा बनके तैयार है। बिल्कुल परफेक्ट नाश्ता।
बच्चे भी खाएंगे खुश होंगे, बड़े भी खाएंगे तो उनको भी बहुत पसंद आएगा। आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।